हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक नया दिन, एक नया ब्लॉग। मैं रास्ते से कहीं गुजर रहा था तो मेरी नज़र पड़ी इन झाड़ियों पे। ये देखो, ये हिंसर की झाड़ियाँ हैं। पहाड़ों में एक फल होता है जिसको हिंसर कहते हैं, कहीं कहीं इसको हिंसोल कहते हैं, कहीं कहीं इसको हिंसर कहते हैं। तो ये एक पहाड़ी बेरी होती है, बहुत ही छोटी होती है और खाने में बहुत मीठी होती है। मेरे हाथ में भी काफ़ी सारी बेरियाँ हैं। ये देखो, ये येलो कलर की होती है। ये बेरी खाने में भी बहुत मीठी होती है। अगर आप इसको खाओगे तो इसका जो स्वाद होता है वो मीठा ज़्यादा और हल्का सा खट्टा होता है। तो इसको पहाड़ों में कहते हैं हिंसर और कहीं कहीं हिंसोल कहते हैं। इंग्लिश में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और ये काफ़ी हेल्दी होती है। और इसकी जो इसका जो पौधा होता है, ये एक झाड़ टाइप में होता है और इसमें जो है बहुत कांटे होते हैं। इस पौधे में आप जो है इसकी टहनी तक नहीं पकड़ सकते हो, आपको सीधे जो है फल पकड़ना पड़ता है। इसकी पूरी टहनी में कांटे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा कांटे। इसका पौधा भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये है इसका पौधा। देखो, ये है इसका पौधा। अगर आपको पौधा पकड़ना है तो इसके पत्ते पकड़ने पड़ेंगे, क्योंकि इसके पूरे तने में जो है कांटे होते हैं। ये देखो, जो इसका तना है इसमें पूरे कांटे होते हैं। आप पत्ता पकड़ सकते हो, वो भी ऊपर की साइड से। पत्ते के बीच के हिस्से में भी कांटे होते हैं। तो इस तरह से पकड़ के आपको हिंसर निकालने पड़ते हैं। ये हिंसर बेरी है, ये ठंडे इलाके में ज़्यादा मिलती हैं। अभी आप देख सकते हो लोकेशन, यहाँ की हाइट बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर सर्दियों में बर्फबारी भी होती है जैन फैब के महीनों में। और ये हिंसर वहीं पाए जाते हैं जहाँ ज़्यादा ठंडा इलाका होता है। तो ये काफ़ी ठंडा इलाका है। तो यहाँ पे देखो आप कितनी सारी बेरीज हैं। और यहाँ पे आप जहाँ तक जाओगे आगे, तो वहाँ तक ये इन पौधों की आपको रेंज मिलेगी। ये बेरी जो है हिंसर बेरी, हर साल जो है उत्तराखंड के पहाड़ों में उगती है। और ये हमेशा जो है गर्मियों के सीज़न में होती है। अभी जून का महीना चल रहा है तो जून के महीनों में ये पक चुके हैं। और अमूमन जो है ये गर्मियों के सीज़न में ही उगती हैं और पकती हैं, और लोग इन्हें बड़े आनंद से खाते हैं। पहाड़ों में बहुत फेमस है ये हिंसर बेरी। यहाँ पे कितनी तादाद में जो है हिंसर जो है अवेलेबल है। जहाँ तक आप जाओगे आगे तक, वहाँ तक आपको जो है पूरे हिंसर मिलेंगे। जहाँ तक आप आगे तक जाओगे, ये देखो नीचे की साइड, देखो आप नीचे की साइड भी ये पूरा भरा हुआ है। ये देखो, ये पूरे फैले हुए हैं आगे तक। जहाँ तक आप आगे तक जाओगे वहाँ तक जो है ये फैले हुए हैं। ये जंगली फ्रूट होता है, जंगली बेरी होती है। ये उगाई नहीं जाती है और ये जंगल में अपने आप उगती है। आप देख सकते हो मेरे पीछे लेफ्ट राइट पूरा जंगल है। ठीक है, जो खा के मेरे को लगा कि इसको आप ज़्यादा नहीं खा सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा 100 ग्राम, और 100 ग्राम खाने के बाद आपका जो है मन भर जाएगा। इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर ही ऐसा है कि आप 100 ग्राम से ज़्यादा इसको नहीं खा सकते हो। आप फिर आपका जो है मन भर जाएगा। अगर आप इसको कुछ इनोवेशन करके बनाओगे, थोड़ा इसमें दही मिला के या थोड़ा मीठा ज़्यादा मिला के, थोड़ा चाट मसाला मिला के, दही मिला के, अगर कुछ स्पेशल रेसिपी बनाओगे इसकी, तो हो सकता है कि आप ज़्यादा खा पाओ। लेकिन अगर आप ऐसे अगर खाओगे डायरेक्ट तोड़ के, तो आप इसको 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं खा पाओगे। तो प्रकृति का ये आप करिश्मा कह सकते हो, प्रकृति की आप देन कह सकते हो, कि ऐसे ऐसे फ्रूट जो हैं पहाड़ों में प्रकृति के बीच में होती हैं। और जब आप प्रकृति के आसपास रहोगे तो ही आपको ये सब देखने के लिए मिलेगा, ये सब खाने के लिए मिलेगा। प्रकृति के बीच में रहने का आनंद भी अलग है। ये बिल्कुल जो है 100% ऑर्गेनिक, 100% नेचुरल बेरीज, और जिसका मज़ा आप जो है पहाड़ों में आके ले सकते हो। यहाँ पे पोलम भी बहुत होते हैं। आजकल पोलम ख़त्म हो चुके हैं, तो मैं उसके भी आपको दिखाता वीडियोज़। तो पोलम अब यहाँ पर लगभग जो है लोगों ने ख़त्म कर दिए पोलम। हिंसर अगर आपको खाना है तो आप पहाड़ों की तरफ रुख करें, पहाड़ों की तरफ जाएं। तो मैं यहाँ से ऐसे ही गुजर रहा था तो मुझे लगा कि इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहिए। ये बहुत ही शानदार पहाड़ी फल है, पहाड़ी बेरी आप कह सकते हो। अभी मैं दूसरी लोकेशन पे आया हूँ और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हिंसर की बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं। तो देखो कितना बड़ा पौधा है हिंसर का। और इस पर जो है अभी हिंसर लगे नहीं है। ये पौधे जो है किस लोकेशन पर उगते हैं देखो। और नीचे भी आप जहाँ तक देखोगे, नीचे भी जो हैं हिंसर के पौधे आपको मिलेंगे। और एक बार लोकेशन देखो आप, बिल्कुल पहाड़ों की चोटी पे। ये देखो, यहाँ पे भी हिंसर की झाड़ियाँ हैं, बड़ी बड़ी झाड़ियाँ।
ये देखो, और ये पूरा जो है जंगल का एरिया है। ये देखो पूरा जो है आसपास इसके पूरे जंगल हैं, ऊपर भी आप देखोगे ऊपर भी पूरे जंगल हैं। तो आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक और नई ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय बाय।